तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नंदनगढ़ की घाट पर। आप देख सकते हो कि यह है काली माता का मंदिर। यहाँ स्टैंड वगैरह दीपक वगैरह जला सकते हो आप। ये देखो दोस्तों, यह है अजमत डोला। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि मैं अभी आया हुआ हूँ यमुना नदी के घाट पर, जिसे बोला जाता है हाथी घाट, क्योंकि यहाँ पर दो हाथी विराजमान है। सामने उनके दो तस्वीरें लगी हुई हैं, क्योंकि प्राचीन समय की थी, इस वजह से इसको हाथी घाट के नाम से जाना जाता है। अभी समय यमुना नदी के अंदर आया बहुत सारा पानी, तो वो पानी मैं आपको दिखाने आया हूँ। हो सकता है आगे भी और भी बढ़े, क्योंकि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ यमुना नदी के अंदर भी पानी काफ़ी सारा आ चुका है। और यहाँ पे एक मंदिर है काली माता का, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यह मनकामेश्वर था, जो कि मनकामेश्वर मंदिर की ओर जाता है। और मनकामेश्वर मंदिर के गेट के ठीक सामने आपको दो हाथी नजर आते हैं, जिसका नाम रखा गया है हाथी घाट। इसी के नाम से इसको हाथी घाट कहा जाता है। और अभी अपन चलते हैं अंदर की तरफ, ये अंदर की ओर जाने का रास्ता हाथी घाट के अंदर की ओर। तो दोस्तों ये कुछ व्यू है सामने, जो गार्डन आ रहा है ये अभी कुछ टाइम पहले ही बना हुआ, पहले यहाँ ये नहीं था। और अंदर ये सिटिंग का कुछ बैठने की व्यवस्था करी हुई है यहाँ पर। और जो ये आप सामने देख रहे हो मेरे पीछे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये काली माता का मंदिर है। आप देख सकते हो जैसे कि ये पीछे का बैक है काली माता का, और शायद ये शनिदेव है शायद, और यहाँ एक वानर राजे विराजमान है। तो पीछे का कुछ नज़ारा इस तरह। और सामने आप पुल देख रहे हैं, ये पुल, ये एक नया पुल निर्माण किया हुआ है, और अभी इस समय ये चालू है। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ यमुना नदी के घाट पर और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यमुना नदी के घाट पर। आप देख सकते हो कि यहाँ पानी अभी आ चुका है, पहले इतना पानी नहीं था यहाँ पर। और आप सामने एक पुल देख सकते हो, ये पुल है। और यहाँ पूजा पाठ का भी सामान वगैरह, जैसे आप देखते हो फूल माला और दीपक भी यहाँ लगे हुए। और यहाँ एक गाय माता चल रही है यहाँ पर, ये गाय माता को छा रही है। और यहाँ इतना सारा पानी आ चुका है, अभी हो सकता आगे भी आ जाए। और सामने से मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ताजमहल भी यहाँ दिखाई देता है यहाँ से, ये देखो। और अभी यहाँ ये बैरिकेडिंग वगैरह कर दी गई है, पहले यहाँ ये नहीं थी, क्योंकि पानी वानी की आने की समस्या रहती थी पहले, इस वजह से यहाँ बैरिकेडिंग वगैरह लगा दी गई है। ये पानी का अभी व्यू देख लो आप, मैं आपको व्यू दिखा दूँ ये पास से। यहाँ पर फूल मारा माला वगैरह भी यहाँ मिल जाती हैं। आप यदि आपको में पूजन वगैरह करना है तो यहाँ दुकानें वगैरह लगी हुई, आप माला वगैरह फूल वगैरह लेकर चढ़ सकते हो। पार्किंग वगैरह लगा दी गई, बनाई हुई है यहाँ पर, ताकि गाड़ी वगैरह खड़ी हो सके। आप देख तो गाड़ी खड़ी है। और सामने ये माता का मंदिर का मुख्य द्वार है, और यहाँ लिखा हुआ यमुना नदी में फूल पत्ती बाहर गंदगी ना फैलाएं। अभी अपन अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। ये है काली माता का मंदिर, यहाँ स्टैंड वगैरह दीपक वगैरह जला सकते हो आप। और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है काली माता। और यहाँ बजाने के लिए घंटा भी है, और बराबर में ये शनि महाराज, ये शनिदेव की मूर्ति आपको यहाँ मिल जाएगी। एक छोटा सा मंदिर और मिल जाता है मेरा। और यहाँ पर कई सारे यात्री वगैरह बैठे हुए हैं, और ये हनुमान जी की मंदिर यहाँ पर, और यात्री वगैरह विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर। और इस मंदिर से कुछ व्यू इस तरह नजर आता है यहाँ का, ये सामने खोला जाता है। ये रेलवे लाइन है यहाँ पर, आगरा फोर्ट वाली लाइन जा रही सीधी। और ये मंदिर के अंदर का प्रांगण कुछ इस तरह, सामने पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है या किसी और चीज़ का पेड़ है। और यहाँ कुछ बाबा जी की समाधि बनाई हुई है, और सामने लेटरिन वाटरिन वगैरह बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये है हाथी घाट का पार्क, और यहाँ बच्चों के लिए झूले वगैरह लगा दिए, ताकि वो खेलें यहाँ पर, आराम से इंजॉय कर सकें अपना। और यहाँ पर कुछ इस तरह है, पहले नहीं था ये, क्योंकि अभी बना है, पहले जब मैं आया था काफ़ी टाइम पहले उस समय नहीं था, लेकिन अब बन चुका है, ये नया डेवलप करा है इसको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ नज़ारा इस तरह है यहाँ का, आप देख सकते हो। ये एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको यहाँ का, ये व्यू है यहाँ का। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पर रीडेवलपमेंट किया गया है इस पूरे क्षेत्र को, मतलब पूरे गार्डन को। यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पर हरियाली वगैरह कुछ है इस तरह से। और यहाँ पर बारिश हुई, थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है इन गड्ढों के अंदर,
और यहाँ से ये व्यू कुछ इस तरह नज़र आता है। यमुना नदी भी चल रही है फुल भरकर, आने वाले समय में ये और भी फुल हो सकती है। और आप अभी दोस्तों मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी है जो प्राचीन समय की है, दोस्तों मुझे भी नहीं मालूम है वो चीज़ क्या है। और ये चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ छोटा सा गुंबद सा बना हुआ है, हो सकता है प्राचीन समय का हो। ये थोड़ा सा गार्डन है यहाँ पर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो चीज़ है क्या। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये दो एक गुंबद तो ये है, एक इसके बराबर वाली है, दो छोटी छोटी गुंबदें हैं। अब ये पता नहीं किसकी गुंबदें हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ से व्यू करा देता हूँ एक बार कि वो क्या है क्या नहीं है। तो एक गुंबद ये है, ये प्राचीन समय का है, और एक ये गुंबद सा कुछ इस तरह का है, ये भी प्राचीन समय का है। और यहाँ पर लोग विश्राम वगैरह कर रहे हैं, ये गार्डन है, गार्डन के अंदर बना हुआ है, यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं लोग, आप देख सकते हो। और यहाँ पूरी हरियाली है, यहाँ पर पूरी हरियाली है, पीछे की तरफ यमुना किनारा है और ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है यहाँ पर, ये गार्डन है यहाँ पर। दोस्तों ये जो सड़क आप देख रहे हो ये कहलाता है यमुना किनारा। इस समय यहाँ पर पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है क्योंकि बारिश का मौसम अभी चल रहा है और चारों तरफ पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी छाई हुई है, हरियाली छाई हुई है। और यहाँ पे आसपास ही छोटे छोटे एक मंदिर बने हैं, वो अंदर की तरफ जाके यमुना किनारे पर, और ये कहलाता है यमुना किनारा, आप देख सकते हो। अभी दोस्तों हाथीघाट से चलते चलते मैं पहुँचा हूँ एक और जगह, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा है। यहाँ से आपको सामने फ्रंट का उसका बैक साइड का एतमाद दौला, आपने नाम सुना होगा, वो चीज़ नज़र आती है सामने से। ये व्यू पॉइंट और भी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। ये देखो दोस्तों, ये है एतमाद दौला का बैक साइड, और इस समय यहाँ पर पानी है काफ़ी सारा, ये कहलाता है एतमाद दौला। और दोस्तों ये जो पुल आप देख रहे हो इसके लिए एक रास्ता यहाँ से भी निकला हुआ, ये सीढ़ी जा रही है, आप यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो। ये पूरा पल्ली पार यानी यमुना नदी को पार करने के बाद का पुल बना हुआ है, और यहाँ से आप पल्ली पार भी जा सकते हो यमुना नदी। था दोस्तों आज का व्लॉग, ये व्लॉग आपको कैसा लगा, कैसा लगा, पसंद आया आपको? तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर।